साथियों जानते हैं CIET NCERT के चाचा नेहरू भवन में एक कार्यशाला आयोजित की गई। नाम था बालोत्सव। इस बालोत्सव में हम बच्चों ने रेडियो कार्यक्रम बनाना सीखा, यही नहीं कार्यक्रम बनाया भी। तो आइए आप भी सुनिए हम बच्चों द्वारा बनाया गया ये कार्यक्रम चमत्कारी पत्थर। बहुत पुरानी बात है, एक नदी में एक मछली रहती थी। उसका नाम था फिन कुमारी। वह बहुत आलसी थी। उसकी एक सहेली थी रानी। एक दिन फिन कुमारी रानी से बोली, अब क्या करूं? सुबह से कुछ भी खाने को नहीं मिला। भूख के मारे हालत खराब हो गई है। यहाँ आसपास का तो सारा खाना मैंने ख़त्म कर दिया। अब क्या करूं? अरे फिन, तुम दिन रात सोती रहती हो, क्यों नहीं उस पहाड़ी के पीछे जाती? वहाँ बहुत सारा खाना है। अरे इतनी दूर? ना बाबा ना, मैं तो तैरते तैरते थक जाऊंगी। अरे क्यों थक जाओगी? हाँ थकने की क्या बात है। ना कछुए भैया, मुझे तो अभी से ही नींद आ रही है। अरे तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ना भैया, मुझे भूख अभी लगी है, तुम जाने कब पहुँचोगे? अरे कुछ तो करो, क्या यहीं बैठी रहोगी? हाँ और क्या। इसी तरह फिन कुमारी परेशान रहती और आलस के कारण खाने की तलाश में दूर भी नहीं जाती। एक दिन वो रो रही थी, तभी उसका मित्र मगरमच्छ वहाँ आया। अरे रोती क्यों हो फिन कुमारी? क्या करूं, आसपास का खाना कम होता जा रहा है, मैं भूखी रह जाती हूँ। ये तो बहुत दुख की बात है, मैं तो 3 दिन का खाना एक साथ खा लेता हूँ। तुम तो बहुत ताकतवर हो, मैं तो छोटी सी हूँ, भला मैं क्या कर सकती हूँ? मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या करूँ? अरे रोती क्यों हो? मेरी ताकत का राज है एक चमत्कारी पत्थर। क्या पत्थर? हाँ उसी के कारण मैं हर मुश्किल काम कर पाता हूँ, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सच? तुम मुझे वो चमत्कारी पत्थर दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर वो दोस्त ही क्या जो मुसीबत में काम ना आए। तुम बहुत अच्छे हो मगरमच्छ भैया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम यही ठहरो, मैं अब भी पत्थर लेकर आया। ये लो मेरा चमत्कारी पत्थर, संभाल कर रखना। हाँ हाँ क्यों नहीं, बहुत संभाल कर रखूंगी। अरे इतना छोटा सा पत्थर और इतना चमत्कारी? हाँ हाँ बिल्कुल। भला ये काम कैसे करता है? अरे बस इसे 3 बार जमीन पर घिसो और जो भी करना चाहो करने लगो, तुम मुश्किल से भी मुश्किल काम कर पाओगी। अच्छा ठीक है भैया, धन्यवाद, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बस फिर क्या था, फिन कुमारी ने 3 बार चमत्कारी पत्थर घिसा और ये क्या, सचमुच वो पहाड़ी को पार करने लगी। यही नहीं उसने पहाड़ी के पार पहुंचकर ढेर सारा खाना खाया। आज कितने दिनों बाद पेट भर खाना खाया है, यहाँ कितना सारा खाना है। अब तो मैं चमत्कारी पत्थर की मदद से रोज यहाँ आया करूँगी। अब चलती हूँ, मगरमच्छ भैया के लिए ये फूल ले लेती हूँ, उपहार में दूंगी।
अरे क्या बात है, आज बहुत खुश हो? हाँ देखो, तुम्हारे चमत्कारी पत्थर के कारण मैं पहाड़ी के उस पार पहुंच पाई। वहाँ ढेर सारा खाना खाया और वहाँ से तुम्हारे लिए ये फूल भी लाई। ये लो। धन्यवाद फिन बहन। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए, तुम्हारे चमत्कारी पत्थर ने मुझे ये ताकत दी, नहीं तो। अरे चमत्कारी पत्थर? कौन सा चमत्कारी पत्थर? अरे ऐसा कोई पत्थर तो मेरे पास नहीं है। तो फिर वो? अरे वो तो मैंने कोई सा भी पत्थर उठाकर दे दिया था। असली ताकत तो तुम्हारी थी, तुम्हारी मन की ताकत। क्या सच? हाँ, काम कितना ही मुश्किल हो, अगर कोई ठान ले तो हर मुश्किल काम पूरा कर सकता है। हाँ। हमें अपने पर विश्वास होना चाहिए। जब तुमने अपने पर विश्वास किया तो तुम पहाड़ी को पार कर पाई, बस। ओह, अब मुझे समझ आया, आलस छोड़कर जो मेहनत करता है वो हर मुश्किल काम पूरा कर सकता है। अब फिन कुमारी को मेहनत की ताकत समझ आ गई थी, उसने आलस छोड़ दिया और सुख से रहने लगी। चमत्कारी पत्थर, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम अकादमिक समन्वय डॉक्टर कामिनी भटनागर मैम, लेखिका युक्ता, कलाकार शिवानी, युक्ता, अंजलि, रोशन, सिद्धार्थ और मैं दक्ष, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े सर, ध्वनि रिकॉर्डिंग अमिता भट्टी मैम, हमारी मदद करी अजीत सर और वंदना मैम ने, धन्यवाद।